जेटीवी न्यूज। उमरिया जिले के पीटीएस कार्यालय में शहडोल जोन के एडीजी डीसी सागर का निरीक्षण के दौरान आगमन, जहां संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें सलामी दी एवं पीटीएस परिसर में आगामी 20 तारीख को होने वाले कार्यक्रम के संबंध में निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। वहीं एडीजी पीटीएस से होकर पुलिस कंट्रोल रूम के लिए रवाना हुए, जहां आयोजित कार्यक्रम के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से चर्चा की गई। वहीं शहडोल संभाग के एडीजी डीसी सागर ने बताया कि आगामी 20 तारीख को उमरिया पीटीएस में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां निरीक्षण के दौरान पीटीएस जवानों के जज्बे को देखने के लिए मेरा आगमन यहां हुआ है और यहां के जवानों में जज्बा पूरी तरह से भरा हुआ है एवं होने वाले दीक्षांत समारोह के चलते सभी जवान उत्साहित नजर आ रहे हैं। वही एडीजी महोदय के आगमन पर पीटीएस पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह, डीएसपी श्रीमती भारती सिंह जाट एवं संबंधित पुलिस अधिकारी और पत्रकार गण उपस्थित रहे। पेशुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। पहले तो जिन्होंने पास आउट किया है पुलिस ट्रेनिंग को, उन सारे जवानों को मैं हृदय से बधाई देती हूँ कि अपने जीवन में वो स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करें। और माननीय एडीजी साहब सागर साहब आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, 20 तारीख को होने वाले दीक्षांत समारोह में आएंगे और अपना आशीर्वचन जिस तरीके से होता है एक नौजवान को, और मैं जवानों से ये अपेक्षा करूंगी कि जो शपथ दीक्षांत समारोह के दौरान वो लेते हैं उसी की परिकल्पना के तहत जो सारे जीवन वो काम करेंगे और अपने कर्तव्य भूमि पर सफल रहेंगे। धन्यवाद। आप पीटीएस में 20 तारीख को जो हमारे भावी आरक्षक है, आरक्षक हैं, उनका दीक्षांत समारोह है, तो उस दीक्षांत समारोह की जो तैयारियां है, जवानों का जज्बा है, उसको देखने में आया था। मैंने देखा कि सभी जवानों में जज्बा पूरी तरह से भरा हुआ है, बहुत उत्साह है उनमें और उनके इंस्ट्रक्टर्स में, उनके अधिकारियों में पूर्ण उत्साह है इस दीक्षांत समारोह को सफल बनाने की। यही देखने में आया था, मुझे पूरी संतुष्टि है कि वो इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से संपादित करेंगे। धन्यवाद।